चैप्टर 13 में जो है वो यार ये हमने कवर कर लिया था बॉक्स मॉडल वाला में। ये बॉक्स मॉडल तो मैंने कवर कर लिया था है ना, और ये बॉर्डर विड्थ वगैरह ये तो हम वो देख चुके हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक वाला। अच्छा बॉर्डर स्टाइल जो है वो असल में बॉर्डर जब हम लगाते हैं ना तो वो तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉर्डर की ना, आके तीनों को हम लगा लगा के देख लेते हैं अलग अलग। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ये बॉर्डर लगा हुआ है ना, ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं असल में जो हमें काम करते हैं, उसको हम इधर कर लेते हैं ठीक है। अच्छा हमने जो बॉर्डर लगाया है, हमने बॉर्डर ऐसे करके लगाया हुआ है 5 पिक्सल और सॉलिड, और ब्लैक भी हम इसको दे देते हैं मोस्टली, लेकिन हमने देखा था कि ब्लैक नहीं भी दे रहे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उसको ब्लैक ही पकड़ता है। तो ये है बॉर्डर की विड्थ, ये है बॉर्डर का स्टाइल, और ये है बॉर्डर का कलर। तो ये तीनों अलग अलग भी हम दे सकते हैं, वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई बॉर्डर स्टाइल अलग से दे सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, सॉलिड जो कि हमने वहाँ दिया हुआ है, उसके अलावा डॉटेड हो सकता है, उसके अलावा डैश्ड हो सकता है ठीक है। ये सारे लाइन से इन्होंने बताया हमें जो बिल्ट इन HTML में जिसकी सपोर्ट मौजूद है। ग्रूव क्या होता है ये लिखा हुआ है ना इधर, अच्छा। यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें कौन सा है, सॉलिड डॉटेड डैश डबल और पांचवें नंबर वाला ग्रूव है, 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर वाला ग्रूव है। बहरहाल सारे अलग अलग लगा के देखोगे ना तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि ना कौन सा वाला क्या है ठीक है, इनसेट आउटसेट के एक अंदर की तरफ एक बार। तो ये सारे स्टाइल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉलिड की जगह डॉटेड लगा सकता हूँ सही है, और मैं जब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो ये डॉटेड बॉर्डर बन चुका होगा ठीक है। उसके अलावा जो तुम कह रहे हो ग्रूव क्या होता है, सर अंदर की तरफ बैठा हुआ नज़र आया ठीक है, ग्रूव ये अच्छा ये जैसे अंदर की तरफ कुछ है, 3D सही बना दिया इसने। तो ये हमने लगा के देख लिया जी बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर कलर भी अलग से मैं लगा सकता हूँ ठीक है, बॉर्डर कलर लिखूँगा सिर्फ और ब्लैक लिख दूँगा या जो भी, तीन तरीके होते हैं कलर देने के, तीनों मैं इसमें लगा सकता हूँ, जैसे कि हेक्स कोड कलर का नाम या RGB। अच्छा अगर मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है, मुझे सिर्फ टॉप वाला चाहिए तो टॉप का मैं ऐसे भी कलर बता सकता हूँ ठीक है, या सिर्फ बॉटम का, जैसे अब देखें यहाँ पर इन्होंने चारों कोनों को अलग अलग कलर दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह करके मैं चार कोने को अलग अलग कलर भी दे सकता हूँ, तो इसको मेरे ख्याल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शॉर्ट हैंड है जो यहाँ हमने लिखा हुआ है ना ये वाला, ये शॉर्ट हैंड है कि मैंने तीनों चीज़ें एक ही दफ़ा में इसको दे दी और बॉर्डर करके ठीक है। यहाँ पे आप देखें बॉर्डर और 3 पिक्सल डॉटेड और ब्लैक, तो मैं ये लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐसे लिखता हूँ ठीक है, तो इस तरह करके तीनों को मिक्स करके लिखा है। अगर मैं अलग अलग लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, बॉर्डर कलर ऐसे अलग ठीक है, और बॉर्डर स्टाइल ये बॉर्डर स्टाइल, और तीसरे नंबर पे बॉर्डर की विड्थ, मैं तीनों को अलग अलग लिखूंगा इस तरह करके लिखूंगा अगर तो ठीक है। अच्छा हमने ये भी देखा था कि अगर सिर्फ मैं बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा दूं तो मुझे बॉर्डर विजिबल हो जाता है ठीक है, या पता नहीं आई एम नॉट श्योर कि कौन सा वाला लगाने से हो रहा था, कोई दो हमें एटलीस्ट देना पड़ रहा था, बॉर्डर का साइज़ और बॉर्डर का स्टाइल, ब्लैक हमें देना नहीं पड़ रहा था, तो अलग अलग लगाने में भी यही बिहेवियर होगा जो शॉर्ट हैंड के अंदर हो रहा है ठीक है जी। वापस हम आ जाते हैं, शॉर्ट हैंड हमने देख लिया। अच्छा पैडिंग हम देख चुके हैं, पैडिंग क्या चीज़ होती है कि किसी भी बॉक्स में अंदर की तरफ जो फासला होता है, जैसे ये बॉक्स है अभी ये अपने कंटेंट के ऊपर टाइट हुआ हुआ है ठीक है, कंटेंट के से बिल्कुल ये चिपकी हुई है दीवारों से, अगर उसमें पैडिंग करूँगा तो जैसे फ्रिज के डब्बे के अंदर आप इमेजिन करें कि ये फ्रिज का डब्बा है, तो फ्रिज के डब्बे के अंदर यहाँ पर वाइट कलर का वो पैड होता है, तो आप उससे इसको याद रखेंगे कि पैडिंग जो है वो क्या होती है, क्या चीज़ होती है, अंदर की तरफ जो फासला होता है वो पैडिंग होती है ठीक है जी। मॉनिटरिंग नहीं होती पैडिंग की, पैडिंग क्या मतलब ये
बॉर्डर नज़र नहीं आता। बॉर्डर तो इस पर देखो लगा हुआ है जब ही नज़र आ रहा है। अगर इस पर बॉर्डर, असल में बॉर्डर जब तक लगेगा नहीं ना इस पर, ये देखो बॉर्डर इसने अलग से लगाया हुआ है, अगर ये बॉर्डर लगा हुआ नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि बॉर्डर के अंदर फासला बढ़ा है या बाहर फासला बढ़ा है। तो इसलिए इन्होंने दिखाने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा बॉर्डर लगा ही दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये है चारों साइड का पैडिंग हो रहा है, अगर सिर्फ टॉप की पैडिंग बढ़ानी है या सिर्फ राइट की पैडिंग बढ़ानी है, ठीक है, इस तरह पैडिंग लिखने से चारों साइड की वो एक साथ बढ़ा देगा। सर वो बॉर्डर का साइज ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा अगर हम पैडिंग लगाएंगे? नहीं, बॉर्डर अलग से लगाया है इसने, 2 पिक्सल का बॉर्डर अलग से लगाया है। लेकिन ये बड़ा होगा बॉर्डर? नहीं, बॉर्डर तो उतना ही है यार, उतनी शो करने के लिए कंटेंट जो हमने बॉक्स मॉडल जो पढ़ा था ना, ये बॉक्स मॉडल से मुतालिक चीज़ है कि जो अगर ये मेरा बॉक्स 200 पिक्सल का था ना ऐसे, तो अब इस पर जब लगाया ना 10 पिक्सल की पैडिंग, तो 10 इधर से बढ़ गया, 10 इधर से बढ़ गया, अब ये हो गया टोटल 220 पिक्सल का। अगर पहले 200 का था तो अब 220 का हो गया। ये हमने बॉर्डर, ये हमने बॉक्स मॉडल जब डिस्कस किया था ना, तो हमने ये बात डिटेल में डिस्कस की थी, तो आप अगर उसमें नहीं थे तो पिछली क्लास में ही शायद हुआ था ना वो, तो आप थे लास्ट क्लास में? अच्छा, तो बॉक्स मॉडल वाला अगर आप मे बी मिस कर दिया हो आपने, तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो में। अच्छा जी, मार्जिन जो है वो बिल्कुल पैडिंग की तरह ही होता है, लेकिन वो बॉर्डर से बाहर की तरफ होता है। आप देखें इसमें पैडिंग 10 पिक्सल लगाई हुई है इन्होंने, और साथ में इन्होंने 20 पिक्सल का मार्जिन भी दे दिया है। अब आप नोट करें, ऊपर वाले पे मार्जिन नहीं है, मार्जिन सिर्फ नीचे वाले पे है। तो नीचे वाला क्या है, अपने यानी आप बॉडी से समझ लें, वो थोड़ा सा दूर हुआ है, बाहर की साइड पर ये आया हुआ है, ठीक है। इसको हम अलग से भी लगा के देख चुके हैं कई दफ़ा कि जी बाहर की तरफ अगर हमें बढ़ाना होता है साइज़ को, फासले को, तो हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, और अंदर की तरफ बढ़ाना होता है हमको। अच्छा, सेंटरिंग कंटेंट की बात यहाँ पे की है इन्होंने, सेंटर करना बताया है टेक्स्ट लाइन सेंटर करके, लेकिन हम इस तरह से सेंटर नहीं करेंगे। हमने जो फ्लैक्स बॉक्स में अप्रोच पढ़ी है सेंटर करने की, हम उसको इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें कभी किसी चीज़ को सेंटर करना होगा, ठीक है। ये तरीका जो है वो पुराना तरीका हो गया, बावजूद इसके कि फ्लैक्स बॉक्स भी इंटरनली इन्हीं तरीक़ों को इस्तेमाल करता है। फ्लैक्स बॉक्स कोई नई चीज़, मतलब कोई नया काम नहीं करता, अंडर द हुड उसमें भी काम यही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये काम ज़रा मुश्किल है। आप देखें 4, 5, 6 लाइन का CSS है ये, उसमें हमारे पास जो है ना 2 लाइन के CSS में वो काम हो जाता है। हाँ, जस्टिफाई कॉन्टेंट हम सेंटर करते हैं, जिस भी आइटम को सेंटर करना होता है उसके पेरेंट के ऊपर हम ये बात लगाते हैं लिख के, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 की बात कर रहा है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है। अच्छा जी, चेंजिंग इनलाइन ब्लॉक में हमने ये देखा था कि कोई जो एलिमेंट होता है HTML का, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, कोई जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी किसी इनलाइन को ब्लॉक में या ब्लॉक को इनलाइन में तब्दील करना हो, तो इसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा डिस्प्ले और साथ में मैं लिख दूँगा इनलाइन, या डिस्प्ले और साथ में लिख दूँगा मैं ब्लॉक, ठीक है। और अभी हमारे पास जो है वो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स भी जो है वो इन्हीं में से एक है, इन्हीं फ्लो में से एक है वो, ठीक है जी। अच्छा, हाइडिंग बॉक्सेस किसी भी बॉक्स के ऊपर, अच्छा ये जब बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग, कोई इनपुट बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग इन CSS इज़ अ बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट की बात हो गई थी, अब ये बॉक्स की बात हो रही है। तो ये बॉक्स का मतलब है कि कोई बटन भी हो सकता है, ये कोई डिव हो सकता है, कुछ भी पैराग्राफ भी हो सकता है। तो उसको अगर हिडन करना हो, हाइड करना हो मुझे, ठीक है, CSS के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा विजिबिलिटी इक्वल्स हिडन, ठीक है। दो इसकी वैल्यूज़ हैं, एक हिडन है, एक विजिबल है, बाई डिफ़ॉल्ट विजिबल ही होता है हर आइटम, ठीक है। तो जी देखें, आपने ये एक लिस्ट बनाई है इसने, जो कि मुझे ऐसे ही यहाँ ये दिख रही है सीधी सीधी, बीच में से एक आइटम इसके गायब है, ठीक है, हिडन है, ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन ये हिडन है, सही है, और इसकी जगह भी मौजूद है यहाँ पे, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। अच्छा, इसी तरीके से एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एक तो ये विजिबिलिटी हिडन है, एक होता है डिस्प्ले नन, जो हमने यहाँ लगाया हो ना डिस्प्ले इन लाइन और डिस्प्ले ब्लॉक, इसमें देखें डिस्प्ले नन एक आ रहा है। डिस्प्ले नन से क्या होता है कि जो है ना वो, जैसे यहाँ पे आप नोट करें कि एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें सर्विसेज को इन्होंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, तो देखें उसकी जगह भी इसने नहीं छोड़ी यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ये दोनों अप्रोच हमारे पास मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या चाहिए, हमारे केस में हम इस्तेमाल करें। अगर उसको जो आगे लिखा हुआ है इसको नन करना, तो ये भी गायब हो जाएगा? हाँ, किसी भी बॉक्स पे आप डिस्प्ले नन करोगे वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, अपनी जगह भी छोड़ देगा वो, ठीक है। और विजिबिलिटी हिडन करने से जगह पकड़ के रखेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। इसको वापस तो ला सकते हैं CSS के ज़रिए, इसको हाइड किया हुआ है।
एडिट नहीं किया हुआ ना, इसको वीडियो वाले करेंगे खत्म कर देंगे। सब डिस्प्ले नन की बात करो, डिस्प्ले नन को भी वापस ला सकते हैं, डिस्प्ले नन को भी वापस ला सकते हैं और इसको भी वापस ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जावास्क्रिप्ट शुरू नहीं किए, जावास्क्रिप्ट जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि किसी बटन के क्लिक पे हम किसी आइटम को हाइड कराना चाह सकते हैं, सही है। किसी बटन के क्लिक पे कोई हाइड पहले से चीज़ है उसको हम विजिबल करा दें, ठीक है। जैसे होता है ना सामने एक अलर्ट का बॉक्स आपके पास समटाइम आता है, तो मोस्टली क्या होता है वो अलर्ट का बॉक्स हिडन होता है शुरू में, लेकिन कोई बटन क्लिक होता है जिसकी वजह से वो दिख जाता है, थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर वापस हिडन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होगी। लॉजिक्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि चीज़ को हम प्रोग्राम कर देते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। हम जो अभी पढ़ रहे हैं सीएसएस, ये स्टाइलिंग की हद तक इससे काम होता है सारा, स्टाइलिंग से इसका लेना देना है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगी कि जी अच्छा अगर अभी दिन है तो ये कर दो, रात है तो ये कर दो, इस तरह की लॉजिक हम इसमें नहीं लगाएंगे। कुछ लॉजिक इसमें किसी हद तक आ गई है, जो मीडिया क्वेरी हम पढ़ेंगे, मीडिया क्वेरी में ये होता है कि जी स्क्रीन के साइज़ पे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि जी अगर स्क्रीन का साइज़ इतना है तो ये सीएसएस लगा दो, अगर इससे ज़्यादा है तो ये सीएसएस लगा दो, इस हद तक बस इसमें है, इससे ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीएसएस के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा जी, बॉर्डर एक तो हमने देख लिया भाई, सीधा सीधा लाइन वाला बॉर्डर देख लिया, डॉटेड भी आ गया उसमें, ग्रूव भी आ गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं किसी इमेज को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना एक ख़ास तरह की इमेज हमें चाहिए होगी अगर बॉर्डर पे हमने लगानी है तो, ठीक है। और वो क्या होगी, वो इस तरह की एक इमेज होगी, स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर इमेज हमें चाहिए होगी, ठीक है। और इस केस में हमारे पास देखें इसको इन्होंने लगाया कैसे, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का भी इसके अंदर इशू है, तो आप देखें एक ही प्रॉपर्टी को ना तीन दफ़ा लगाया है इसने, एक ही प्रॉपर्टी को, ठीक है। एक में लिखा है मॉस बॉर्डर इमेज, एक में लिखा है वेबकिट बॉर्डर इमेज, और एक में लिखा है जस्ट बॉर्डर इमेज, ठीक है। ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए लगाया गया है, क्योंकि सीएसएस जब शुरू शुरू में स्टार्ट हो रही थी ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किसी ख़ास ब्राउज़र में उसकी सपोर्ट होती थी, तो उन्होंने अपने नाम से रखा हुआ था, ठीक है। जैसे मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में उन्होंने मॉज लगाया हुआ शुरू में, तो इस वजह से इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हमें लेटेस्ट वाला देखना हो बॉर्डर इमेज को, कि बॉर्डर इमेज किस किस ब्राउज़र में सपोर्टेड है, किस नाम से, तो हम जाके उसको डब्ल्यू क्या था वो जो एमडीएन जो एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे हम जाके उसको देख सकते हैं कि जी आया कि आज भी क्या इस तरह करके लिखना ज़रूरी है या नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने ये इमेज यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अच्छा, ये इमेज इस पर अप्लाई कैसे हो रही है, कह रहा है कि जी हेयर इज़ द इमेज आई हैव एडेड मार्क्स वेयर इट इज़ स्लाइज्ड इन एग्जाम्पल। अच्छा, ये मार्किंग जो इवेंट है ये इसने खुद की है, ठीक है। ये इमेज में एक्चुअल थी नहीं मौजूद, ये इमेज का पार्ट नहीं है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की मार्किंग हुई हुई है ना, ये इमेज के अंदर पहले से मौजूद नहीं थी, ये इसने हमें समझाने के लिए किया, ठीक है। टेकिंग 18 पिक्सल फ्रॉम ईच कॉर्नर, अब वो क्या करेगा, 18-18 पिक्सल ना एक एक कोने से ये उठा लेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट है इससे ऊपर का बना देगा बॉर्डर, ये वाले से नीचे वाला बना देगा बॉर्डर। अब इसका रिजल्ट देखें किस तरह से बन के आ रहा है, इसने एक पैराग्राफ वन के ऊपर अलग स्टाइल से लगाया और पैराग्राफ टू के ऊपर अलग स्टाइल से लगाया है। पैराग्राफ वन पे इसने बोला है कि भाई यूआरएल ये है इमेज का, और इसको स्ट्रेच किया है इसने, ठीक है, और पिक्सल्स बताएं कि कितने कितने पिक्सल किधर से उठाने हैं। तो आप देखें ये स्ट्रेच हो गया एक पार्ट। दूसरे वाले में इसने यही पार्ट लगाया है कि जी आपने ना इसको राउंड करना है, ठीक है। तो इस तरह करके ये इन्होंने लगा दिया। अच्छा, इसकी ज़रूरत शायद इतनी मेरा ख्याल है ना पड़े, लेकिन ये इसने यहाँ पे बता दिया कि जी स्ट्रेच भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं और राउंड भी कर सकते हैं, ये तीन हमारे पास अप्रोच मौजूद है, ठीक है। और ये इसको बताया हुआ कि कितने कितने पिक्सल किधर से उठाने हैं, तो इसने बोला भाई 11 पिक्सल इधर से, 11 पिक्सल इधर से। सर वो तो हमारी मर्जी होगी ना कितने भी उठाने। हाँ, ये हमारी मर्जी होगी कितने भी उठाने, ठीक है। अच्छा, ये यार एक चीज़ यहाँ पे इसने 18 पिक्सल लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, ये क्या चक्कर है यार। MDN पे ज़रा चल के देख लेते हैं, MDN border border image। ये ज़रा वो बोतल उठा देना मुझे पानी की। अच्छा, इसके अंदर जो है ना बॉर्डर इमेज जो है, एक्चुअली ये कह रहे हैं शॉर्ट हैंड है,
बॉर्डर इमेज जो है ये क्या है, शॉर्ट हैंड है। इसको क्या क्या वैल्यू देनी होती है, सबसे पहली वैल्यू देनी होती है इमेज सोर्स, ठीक है, कि कौन सी इमेज लगानी है। दूसरी इसको देनी होती है बॉर्डर इमेज स्लाइस। अब स्लाइस की ये प्रॉपर्टी वो अलग से पूरी मेंशन हुई हुई है कि क्या चक्कर है। द डायमेंशन फॉर स्लाइसिंग द सोर्स इमेज इनटू रीजन अप टू फोर वैल्यूज मे बी स्पेसिफाइड सी बॉर्डर स्लाइस। अब बॉर्डर स्लाइस क्या होता है वो देख लिया, तो एक बॉर्डर स्लाइस की वैल्यू देनी होगी, एक बॉर्डर इमेज विड्थ की देनी होगी, ठीक है, और तीसरी देनी होगी बॉर्डर इमेज आउटसेट, और चौथा उसको रिपीट की क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हम ज़रा पहले एक एक करके इसको देख लेते हैं। जो स्लाइस का क्या चक्कर है, स्लाइस पे हम एंटर होते हैं ना, तो ये हमें बता रहा है कि वो जो 11:11 था ना, उसकी यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बता रहा है कि क्या चक्कर है, ठीक है जी। चार जोन है इसके अंदर, अच्छा क्या कह रहा है ये कि यार ये चार वैल्यूज़ लेता है ये, अगर सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो चारों साइड को एक जैसा कंसिडर करेगा 30% या 30 पिक्सल, अगर हम दो देंगे तो एक को टॉप एंड बॉटम कंसिडर करेगा और दूसरे को राइट और लेफ्ट कंसिडर करेगा, ठीक है। तीन देंगे तो जो है ना उसको टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, और चार देंगे तो क्लॉकवाइज पूरा, ठीक है। ये जब भी चार वैल्यूज़ हम दे रहे होते हैं ना जावा CSS के अंदर, तो इसको हमेशा ये क्लॉकवाइज लेता है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि सबसे पहले टॉप क्लॉक टॉप पे होती है, फिर उसके बाद जाती है राइट पे, फिर बॉटम पे और फिर लेफ्ट पे, तो ये क्लॉकवाइज इसको ये चलाएगा चार अगर वैल्यूज़ देते हैं। लेकिन ये चारों वैल्यूज़ हैं क्या, ये स्टिल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है इसके अंदर कि ये चारों वैल्यूज़ हैं क्या आखिर। अगेन इसको आगे ज़रा गौर से देखते हैं कि क्या चक्कर है। अच्छा अच्छा देखो ये बता रहा है कि क्या है ये वैल्यू, सबसे पहले टॉप की वैल्यू है, उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू है, और सॉरी राइट की वैल्यू है, उसके बाद बॉटम की वैल्यू है, और उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू है, सही है, ये चार वैल्यूज़ हैं। अच्छा यहाँ पे इस केस में लेफ्ट जो है 1 है, सही है, मतलब ये पिक्सल में इसने नहीं मेंशन किया हुआ एक्चुअली, लेकिन इसने एक मतलब एक अंदाजे से बता दिया कि यार इस तरह से होगा। हमारे केस में इन्होंने क्या किया हुआ है, चारों को ना 1-1 किया हुआ है, कहाँ किया हमारा वाला केस, हमारे वाले केस में चारों को इसने 1-1 किया हुआ है, तो वो इक्वल इसीलिए उसको पकड़ रहा है वो, ठीक है। देखें यार वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल, और क्या होगा, ये तो इसने इतना आसान करके बता दिया, ठीक है। तो यार यहाँ से इसको देख लेना अगर कोई इशू हो तो, इसने यहाँ पे एक इमेज का भी एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इस इमेज को भी लगा के देख सकते हो, जो वहाँ पे इमेज है उसको भी देख सकते हो लगा के। अच्छा जी, तो ये बॉर्डर इमेज हो गया। उसके बाद हमारे पास है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो का मतलब है कि कोई बटन, कोई पैराग्राफ, कोई डिव, कोई हेडिंग, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, वो तमाम चीज़ें बॉक्स हैं, सही है। बॉक्स शैडो में भी देखो इसको तीन दफ़ा करके लगाया, एक ही चीज़ को तीन दफ़ा करके लगाया है। इसमें देखो कितनी वैल्यूज़ दी हुई है इसने, 1, 2, 3 और 4 वैल्यू दी हुई है। पहली वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है। आ जाते हैं बल्कि हम किसी एक चीज़ पे ना, ये जो ग्रे वाला है ना, इसके ऊपर हम शैडो लगा देते हैं। जो ग्रे वाला बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स है, इस पर हम कह देते हैं जी ये बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के बाद मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहली वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ पे जिस जगह पे मौजूद है, बॉर्डर उससे कितना लेफ्ट या कितना राइट पे बने। तो मैंने कहा एन उसके पीछे बनाना है, तो 0 पिक्सल मुझे लेफ्ट या राइट पे नहीं बनाना बॉर्डर उसका, बिल्कुल उसके पीछे बनाना है। अच्छा सेकेंड वाला जो वर्टिकल ऑफसेट है, यानी कि जिस जगह पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका शेडो उससे कितना ऊपर या कितना नीचे बने। तो मैंने कहा नहीं ऊपर नीचे भी नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टली भी बिल्कुल उसके एन पीछे बनाना है। अच्छा तीसरा जो है जी वो ब्लर डिस्टेंस है, कि जी वो शेडो क्या बिल्कुल शार्प होना चाहिए या थोड़ा ब्लर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये वाला मैं कैसे दूंगा, ये भी मैं पिक्सल में दूंगा, ठीक है। जो रहा तो मैंने कहा कि यार आप ना 5 पिक्सल का इसमें क्या कर दो, ब्लर ऐड कर दो। और उसके बाद है स्प्रेड ऑफ शेडो। स्प्रेड ऑफ शेडो का मतलब ये है कि वो शेडो अभी तक देखो बिल्कुल पीछे है क्योंकि, और ब्लर है, वो शेडो मुझे नज़र ही नहीं आएगा।
तो मुझे शेडो को थोड़ा सा ग्रो करवाना होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला आके कि यार इसको क्या कर दो आप 5 पिक्सल का जो है ना इसके अंदर क्या कर दो आप वो भी ऐड कर दो स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब ये है कि जितना बड़ा वो शेडो बन रहा है ना उससे 5 पिक्सल बड़ा बनाएगा। यानी एक अगर 200 पिक्सल का बॉक्स है और उसके बिल्कुल पीछे में 200 ही पिक्सल का अगर शेडो बनेगा तो मुझे नज़र कैसे आएगा। तो मैंने बोला 5 पिक्सल उसको ग्रो कर दो ज़रा, ठीक है। तो स्प्रेड हो जाएगा 5 पिक्सल, यानी कि 200 पिक्सल का बॉक्स था तो शेडो अब उसका बनेगा 5 पिक्सल इधर ज़्यादा और 5 पिक्सल इधर ज़्यादा। तो वो शेडो के अंदर जो मुझे बॉक्स दिख रहा होगा वो 210 पिक्सल का दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट में इसको मुझे देना पड़ेगा कलर। मैंने कहा कलर दे दो रेड इसको, ताकि मुझे बिल्कुल ये अलग से खिल के दिखे, ठीक है। आप देखें 5 पिक्सल जो है ना चारों साइड से ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर दूँ स्प्रेड इसका मैं 0 कर दूँ तब भी मुझे ये थोड़ा सा तो दिखेगा, बिल्कुल माइनर सा मुझे दिखेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे 5 पिक्सल इसको बताया है ना ब्लर डिस्टेंस बताया, तो ये भी 5 पिक्सल असल में क्या है उसको ग्रो कर रहा है वो, लेकिन ब्लर में और इसमें जो स्प्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ब्लर में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के शेप को वो थोड़ा सा ब्लर करता है जस्ट, लेकिन अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ तो फिर क्या होगा, फिर ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शेडो अभी भी मौजूद है, शेडो क्या है अभी भी मौजूद है। अगर मैं बोलता हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा 5 पिक्सल उसको इधर कर दो शेडो को, और टॉप से भी 5 पिक्सल जो है ना नीचे कर दो उसको, तो आप देखें शेडो अभी भी मौजूद है, सही है, शेडो अभी भी मौजूद है। अभी देखें आप ऑब्जेक्ट के किधर बन रहा है वो, 5 पिक्सल राइट और 5 पिक्सल थोड़ा सा नीचे की तरफ ये बॉर्डर बना है। और अगेन मैं इसके अंदर अगर ब्लर ऐड करूँ, मैंने कहा 2 पिक्सल का ब्लर ऐड करूँ, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा 2 पिक्सल का ब्लर हो गया, जितना था उससे 2 पिक्सल बढ़ गया, ठीक है। और अब आप देखेंगे जब मैं इसमें स्प्रेड ऐड करूँगा ना 2 पिक्सल का, तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा वो ऑब्जेक्ट का साइज़ बकायदा बड़ा हुआ है, सही है, जस्ट ब्लर नहीं हुआ है वो बल्कि बड़ा हुआ है। ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, शेडो की ज़रूरत बहुत पड़ती है, शेडो की ज़रूरत ना अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है शेडो की। सम टाइम आपने देखा होगा कि किसी बटन को आप क्लिक करते हो तो पीछे शेडो का इफेक्ट आ रहा होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो कार्ड होता है आपका फेसबुक में जो कार्ड इस्तेमाल होता है ना उसके पीछे भी हल्का सा शेडो होता है, वो आपको फील नहीं होता लेकिन होता है, सही है। अगर मैं फेसबुक वाला कार्ड यहाँ पे बना के दिखाऊँ ना आपको, तो वो किस तरह का होता है कुछ, एक मैंने डिव बनाया और उसको मैंने क्लास दे दी कि जी ये आपका ना कार्ड, और इसको कार्ड को मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि यार डॉट कार्ड जो है हो जाओ लेंथ आपकी ना 200 पिक्सल हो जाए और हाइट 200 पिक्सल हो गया, ठीक है। और मैंने कहा कि बॉर्डर रेडियस आपका जो हो जाए वो 15 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स शेडो जो आपका हो जाए ना वो क्या हो जाए, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 2 पिक्सल 1 पिक्सल और प्लस मैंने कहा कि ग्रे हो जाए, ठीक है। देखो कुछ इस तरह का ही होता है ना बॉक्स, इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन भी दे दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। अब ये ग्रे का कलर बहुत डार्क है, इसको मैं ज़रा और लाइट करूँगा ना तो ये आपको बाकायदा फील होगा कि ये वही चीज़ बन गई है, सही है, हल्का सा ऐसे शेडो बन के आ रहा होता है। और अगर इसका मैं अगर 2 पिक्सल इसको और 5 पिक्सल इसको कर दूँ तो आपको फिर बाकायदा ये उठा हुआ नज़र आ रहा होगा, लग रहा होगा कि स्क्रीन से थोड़ा पॉप हुआ हुआ है, ये लग रहा है, फील हो रहा है कि स्क्रीन से ज़रा ऊपर उठा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना कार्ड्स और एंगुलर डिज़ाइन, तो आप देखेंगे कि यही चीज़ आपको सब जगह नज़र आ रही होगी एंगुलर डिज़ाइन में ना, शेडो करके ये देखो कि ये बाकायदा स्क्रीन से ये वाला स्क्रीन पे रखा हुआ दिख रहा है और ये स्क्रीन से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, और सर ये वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है शायद, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा और ज़्यादा है, ये थोड़ा और ज़्यादा है, ये लास्ट वाला सबसे ज़्यादा है, और वो रखा हुआ वो है शायद, ठीक है।
तो ये स्क्रीन से बाहर हुआ हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट कैसे अचीव किया गया? उस शेडो के जरिए किया गया। यहाँ पे भी देखो इसी तरह से किया है इन्होंने, ये सारा शेडो है। और इसको एलिवेशन बोलते हैं, सही है, जो स्क्रीन से उठा हुआ दिख रहा है ना उसका ये नाम है एलिवेशन। यहाँ पे और कोई, ये वाला भी एक इन्होंने एग्जांपल बताई है, ठीक है, एलिवेट कितना करना है आपने उसके हिसाब से। इसके ये बने हुए सीएसएस, मतलब अगर आपको पता नहीं लग रहा ना कि ये कितना एलिवेट करना है और ये कैसे हुआ है एलिवेट, तो ये सीएसएस बना हुआ है यहाँ पे अवेलेबल होता है। एक हमारे पास सर वो डायरेक्ट बंदा देखिए क्या कितनी एलिवेशन करनी है, वो ऐसा मतलब नहीं है? नहीं, एलिवेशन तो लिख थोड़ी सकते हैं सर। ऑटोकैड टेल विंड करके एक हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें भी ना ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, बनी हुई होती है। ये हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, सीएसएस ज़रा ख़त्म कर लें ना, हम कंप्लीट कर लें फिर हम इसको कवर करते हैं। तो इसके अंदर ना वो जो कार्ड वाला है ना, उसमें शेडो का ये ऑप्शन मौजूद है। टेल विंड यू आई गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब यहाँ पर जब आएंगे ना आप, शेडो देख रहे हो, बॉक्स शेडो, तो यहाँ पे ना इन्होंने ये चीज़ बना के रखी हुई है कि यहाँ पे आप क्या लिखते हो, नाम लिखते हो उसका आप, कि भाई मुझे शेडो चाहिए 2XL, ठीक है, ये शेडो चाहिए मुझे MD, तो ऐसे करके आप लिख रहे होते हो उस पर, तो उससे इसको पता लग जाता है कि यार क्या सीन है। ठीक है, शेडो नन करते हैं तो शेडो गायब हो जाता है, ठीक है, होवर करके शेडो लगाते हैं तो वो होवर करने पर ही शेडो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आता वो। तो ये कुछ लाइब्रेरीज लेवल की चीज़ भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, ड्रॉप शेडो में ना, ड्रॉप शेडो करके इसमें आप लगा रहे होते हो, तो ये लाइब्रेरी है। इसके पीछे भी एक्चुअल में ना वही सीएसएस चल रही है, प्लेन सीएसएस, लेकिन लोग ज़रा इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि टाइम ज़रा बच जाता है इस वजह से। नहीं, ये लगा हुआ तो शेडो से ही है ना, ये हुआ हुआ शेडो से ही है सारा काम, लेकिन कितनी वैल्यू लगाएंगे तो वो कितना एलिवेट हुआ हुआ दिखेगा। एक तो तरीका ये है कि आप तुक्के मारते रहें और आप लगा लगा के चेक करें, एक तरीका ये है कि आप एलिवेशन यहाँ से देख लें, सही है। इस मैं लिखता हूँ अगर इसमें CSS शेडो एलिवेशन एग्ज़ैम्पल, सही है, 93 इन्होंने एग्जांपल बना के दे दी कि भाई ये क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अब हम यहाँ से देख लें, अच्छा यार ये वाला मुझे चाहिए, यानी ऐसा वाला मुझे चाहिए, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो सीएसएस शायद कॉपी हो गई है यहाँ पे। अब ये पेस्ट करके देखते हैं, ये कॉपी हुआ, सही है। तो इस तरह की चीज़ें, ये ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं ऑनलाइन, लोगों ने बना बना के रखे हुए छोड़े हुए यहाँ पर। ठीक है, देखो इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, जैसा यहाँ से चाहिए वैसा यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना नीचे से सिर्फ इसमें एलिवेशन है, ऊपर नहीं है। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ ना और हमारे मेरे बैक बॉक्स शेडो में आके मैं अपने वाले बॉक्स शेडो को रोक देता हूँ और ये वाला शेडो लगा देता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे कि मेरे वाले शेडो में जो है ना ये क्या हो गया, ऐसा वाला हो गया। नहीं, ये तो मैंने टेल विंड वाला नहीं किया, ये तो कोई ऐसे ही आर्टिकल की तरफ से, नहीं नहीं उनकी तरफ से नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, टेल विंड वाला माल इन्होंने कॉपी किया हुआ शायद, सब लोगों ने किया हुआ है बहुत सारे। ये कोई स्टोर है सीएसएस स्कैन के नाम से, कोई स्टोर है ये सीएसएस स्कैन के नाम से ना कोई स्टोर है, इसमें बटन शटन हर चीज़ अवेलेबल है और सब इसी तरह है, किसी ने बना के डाला हुआ है, ये वाला हिसाब है शायद। ठीक है, बाकी टेल विंड इंशाल्लाह हम थोड़ा सा कवर करेंगे लेकिन अभी नहीं। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं जी इधर बॉक्स शेडो के ऊपर। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर अभी हम देख लिए, बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस का क्या सीन है कि जी वन सिंगल वैल्यू दूंगा मैं तो चारों साइड से वो एक जैसा उसको समझ लेगा, जैसे मैंने 15 पिक्सल बोला तो चारों साइड से वो 15 पिक्सल देगा। ठीक है, अच्छा उसको वो लगा रहा कैसे होता है, वो इस तरह से लगा रहा होता है, ये देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छा अगर मैं उसको बोलता हूँ ना कि यार ये आप इमेजिन करें कि कोना है एक बॉक्स का, कौन सा कोना है, ये टॉप राइट कॉर्नर है, ये यानी कि ये वाला कॉर्नर है। ठीक है, अब आप इस पर नोट करें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यार अगर आप बोलोगे ना दो वैल्यू दोगे, अगर आप
अभी तो चलो एक वैल्यू को हम देख लेते हैं, मैंने बोला था 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल का मतलब क्या है कि ये इसको ज़ीरो पकड़ेगा वो, और यहाँ से जिधर 15 आ रहा है ना, जैसे इमेजिन करो यहाँ 15 आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से पकड़ेगा इसको, और इस साइड भी ना ये 15 पिक्सल देखो यहाँ लेके जाएगा, यहाँ 15 आ रहा है ना, तो उसको दोनों को पकड़ के गोल कर देगा। नतीजा ये होगा कि बिल्कुल ईवन हो जाएगा ये, क्योंकि इधर भी 15 है और इधर भी 15 है। लेकिन अगर मैंने लिखा 80x50, या मैंने इसको इमेजिन कर लो कि 10x15 लिखा ना, ठीक है, तो ये 10 किसको कंसिडर करेगा, ये ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को ये 10 पकड़ेगा ये, और नीचे वाले को ये 15 पकड़ेगा, अगर मैंने 10 और 15 लिखा है तो। नतीजा ये होगा कि बॉर्डर ज़रा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, तो थोड़ा सा अनइवन बॉर्डर बनेगा। अच्छा, अनइवन बॉर्डर मुझे क्यों बनाना है, इस तरह का बॉर्डर अगर मुझे बनाना पड़े ना तो मैं अनइवन बॉर्डर बनाऊँगा, सही है, इस तरह का बॉर्डर भी मुझे बनाना पड़ सकता है। तो ये जी, इन्होंने एक वेबसाइट बना दी है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, इनके ख्याल में आपको भी ऐसी वेबसाइट बना लेनी चाहिए। इस वेबसाइट में क्या हो रहा है सब ज़रा बता दो सर, क्या हो रहा है सर, इसके अंदर देख मैं बताता हूँ। ये सर तो HTML का यूज़ हो रहा है, एक डिव है सर, ऑर्डर दे ऑर्डर लगाया हुआ है, उसके अंदर एक और डिव है, उसको भी बॉर्डर लगाया हुआ है, दोनों डिव तो किया हुआ है। और ये तो सर इमेज लगा हुआ है सीधे सीधे, ऊपर शायद उन्होंने H1 या H2 लगाया हुआ है। बिल्कुल, देखो ये जो है ना, ये वाला दो बॉर्डर, ये बॉडी है, बॉडी को इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ, या बॉडी नहीं है तो चलो एक बड़ा डिव है, उसकी विर्थ हाइट इन्होंने की हुई है कोई 90% विर्थ की हुई है उसकी, उसको इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर का स्टाइल जो दिया हुआ है इसने, वो दिया हुआ है डबल, सही है, बॉर्डर के अंदर स्टाइल में एक ये स्टाइल शामिल है डबल। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली एक इमेज है, ये वाला पार्ट जो, ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये टेक्स्ट भी ये हो सकता है, लेकिन फिर वो फॉन्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इमेज है। उसके बाद हमारे पास ये नैव बार है, नैव बार के अंदर जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, वो सिर्फ टॉप और बॉटम पे लगा हुआ है, साइडों पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। हाइट बोले तो साइडों पे बॉर्डर कह रहे हैं, हाइट की है नहीं, नहीं लगाया ही नहीं है ना, सिर्फ टॉप और बॉटम लगाया है। अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये चारों साइड की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि बॉर्डर टॉप इतने पिक्सल, बॉर्डर बॉटम इतने पिक्सल, बॉर्डर राइट लेफ्ट इतने इतने पिक्सल। तो अगर हाँ, ये भी कर सकते हैं कि यार 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके राइट और लेफ्ट को मैं 0x0 पिक्सल कर दूँ, इससे भी हो जाएगा, ठीक है, लगा के मैं छुपा दूँ, ये भी कर सकता हूँ, या मैं लगाऊँ ही ना, सिर्फ टॉप और बॉटम पे अलग अलग लगाऊँ, तो दोनों तरीके से ये हो जाएगा काम, ठीक है। और बीच में ये सिंपल सा जो है ना, वही है नैफ बार जो हमारा बना हुआ है, और ये फॉन्ट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद ये 3 इमेजेस हैं जो फ्लैक्स बॉक्स से आप इजीली इसको साइड बाई साइड लगा सकते हैं। ये नैफ बार को भी सीधा करना जो है, ये आप फ्लैक्स बॉक्स से बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ये पैराग्राफ है, दैट्स इट, इस वेबसाइट में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, ये आपसे बन जानी चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली इमेज लगाएं, यही वाला फॉन्ट इस्तेमाल करें, लेकिन इससे मिलता जुलता फॉन्ट आप इस्तेमाल करके ये वेबसाइट बना ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। 5 पेजेस टोटल है इसके अंदर, इस वेबसाइट में, और बड़ी अच्छी सी और एलिगेंट सी वेबसाइट है ये। इस तरह की वेबसाइट अगर आप बना लेते हैं तो उसको आप किसी दुकान वाले को बाकायदा सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई शॉप होती है, कॉफ़ी शॉप होती है, बार्बर शॉप होती है, उनको आप ये बाकायदा सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नाई की दुकान है, यहाँ पर एक बंदा बाल कटा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन मॉडल्स हैं जिनके अच्छे से बाल कटे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू बना हुआ है, नीचे यहाँ पे ज़रा रेट लिस्ट का एक टेबल बना हुआ है कि जी ये मूंछ दाढ़ी के इतने हैं और बाल के इतने हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आपने एक बना दिया, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज में उस बंदे का फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उसकी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, तो ये एक प्रैक्टिकल वेबसाइट बन सकती है इस तरह से। तो इसको जो है ना, इस तरह करके आपने बना लेना है। अच्छा, यही बना लो तो हाँ, नहीं यही बना लो, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ कि अगर ये इतनी वेबसाइट अगर बना लोगे ना, तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वेबसाइट। ये मतलब वो नहीं है कि आपने जस्ट हेलो वर्ल्ड, अभी तक नहीं हो रहा हमारा, अब हम हेलो वर्ल्ड से ज़रा सा आगे निकल आए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे क्या हमारे पास मौजूद है इसके आगे। यहाँ पे जी ये वाला जो चैप्टर था ना हमारा, ये क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया।